छठ व्रतियों के लिए एक निराशा भरी खबर है। इस बार भी यमुना नदी के तट पर छठ पूजा की अनुमति नहीं मिलेगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को छठ पूजा के लिए यमुना तट पर पूजा की अनुमति देने से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेडेला की बेंच ने पूर्वांचल नव निर्माण संस्थान द्वारा दायर जनहित याचिका को खारिज करते हुए कहा कि नदी का पानी अत्यधिक गंदा है और अगर लोग उसमें स्नान करेंगे तो वे खुद बीमार पड़ सकते हैं। हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा, हम ऐन वक्त पर कोई आदेश नहीं दे सकते, रातों रात यमुना नदी को साफ नहीं किया जा सकता। बेंच ने याचिकाकर्ता से कहा कि यमुना का पानी इतना गंदा है कि अगर लोग उसमें पूजा करेंगे तो स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो सकती हैं और हम इसकी अनुमति नहीं दे सकते। याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि छठ पूजा एक स्वच्छता का उत्सव है और इस बार वे केवल घाटों की सफाई की अनुमति चाहते हैं ताकि भविष्य में वहां पूजा हो सके। हालांकि कोर्ट ने जवाब दिया कि आप यमुना तट की सफाई के लिए अलग से अर्जी दाखिल करें, हम उसे सुनेंगे। बता दें, दिल्ली सरकार ने यमुना नदी के किनारे छठ पूजा पर प्रतिबंध लगाया है, जिसे चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने एक PIL दायर की थी। हालांकि कोर्ट ने कोई भी निर्देश जारी करने से इनकार कर दिया और कहा कि अन्य घाट और निर्दिष्ट क्षेत्र हैं जहां लोग सुरक्षित रूप से पूजा कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट से लाखों ट्रांसपोर्ट वाहन चालकों को बड़ी राहत मिली। आज चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि हल्का मोटर वाहन चलाने का लाइसेंस रखने वाले 7500 किलोग्राम तक वजन वाले हल्के ट्रांसपोर्ट वाहनों को भी चला सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद ऐसे ड्राइवरों का रोजगार सुरक्षित रहेगा और उनकी बीमा पॉलिसी भी उन एक्सीडेंट्स को कवर करेगी जब वे ट्रांसपोर्ट वाहन चला रहे हों। इससे पहले साल 2017 में 3 जजों की बेंच ने तय किया था कि 7500 किलोग्राम से हल्के ट्रांसपोर्ट वाहन भी LMV श्रेणी में आएंगे, यानी LMV लाइसेंस धारक ऐसे वाहनों को चला सकते हैं। हालांकि इसके खिलाफ कई बीमा कंपनियों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। साल 2022 में ये मामला 3 जजों की बेंच ने संविधान पीठ को सौंप दिया था। आज सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने ऐतिहासिक फैसले में लाखों ट्रांसपोर्ट वाहन चालकों को राहत दी। ये फैसला बीमा कंपनियों के लिए एक बड़ा झटका है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई है, जिन्होंने महाराजगंज जिले में नेशनल हाईवे के लिए सड़क चौड़ीकरण के दौरान आवासीय घरों को बिना उचित प्रक्रिया का पालन किए अवैध रूप से ध्वस्त कर दिया। कोर्ट ने इसे अत्यधिक कठोर कार्रवाई करार दिया और याचिकाकर्ताओं को 25 लाख रुपए का अंतरिम मुआवजा देने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच एक पीड़ित के शिकायती पत्र के आधार पर 2020 में दर्ज एक स्वतः संज्ञान रिट याचिका पर सुनवाई की, जो महाराजगंज जिले में 2019 में ध्वस्त किए गए आवास से जुड़ी थी। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के वकील ने 123 अवैध आवासीय निर्माणों को ध्वस्त करने की बात कही, लेकिन बेंच ने इसे मनमानी करार दिया। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा, ये पूरी तरह से अत्याचार है, और अधिकारियों से पूछा, आप किस आधार पर घरों को ध्वस्त कर सकते हैं? कोर्ट ने ये भी कहा कि अधिकारियों ने बिना नोटिस या उचित कानूनी प्रक्रिया के घर तोड़े, जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। इस दौरान जस्टिस JB पारदीवाला ने पूछा कि क्या पिछले 50 वर्षों में आपने कोई कदम नहीं उठाया था। उन्होंने सवाल किया कि किस आधार पर अधिकारियों ने अचानक रातों रात बुलडोजर भेजे और बिना किसी सूचना के घरों को ध्वस्त कर दिया। कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी को अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक जांच शुरू करने का आदेश दिया और स्पष्ट किया कि बिना योजना और सूचना के ऐसी कार्रवाई नहीं की जा सकती। बेंच ने 1 महीने के अंदर अनुपालन का आदेश दिया है। साथ ही बेंच ने सड़क चौड़ीकरण में विधि सम्मत प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश दिए। कोर्ट ने कहा, पहले अभिलेखों मानचित्रों के अनुसार सड़क की मौजूदा चौड़ाई का पता लगाया जाएगा, फिर सड़क की मौजूदा चौड़ाई और अतिक्रमण का सर्वेक्षण किया जाएगा। यदि अतिक्रमण पाया जाता है तो संबंधित व्यक्ति को नोटिस जारी किया जाएगा और आपत्ति पर कोर्ट से किसी भी कार्रवाई का निर्णय लिया जाएगा। यदि आपत्ति खारिज होती है तो अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस दिया जाएगा। अगर अतिक्रमणकर्ता अवैध निर्माण हटाने में विफल रहता है तो सक्षम प्राधिकारी कार्रवाई कर सकते हैं, जब तक कि कोर्ट के आदेश द्वारा उसे रोका ना जाए। वहीं अगर सड़क चौड़ीकरण के लिए पर्याप्त चौड़ाई नहीं है तो राज्य को भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अताउ रहमान मसूदी और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की बेंच ने आज एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स के सैयद महफूजुर रहमान द्वारा दायर पीआईएल पर सुनवाई की, जिसमें यूपी सरकार द्वारा बहराइच हिंसा के आरोपियों की संपत्तियों को ध्वस्त करने की योजना को चुनौती दी गई। इससे पहले हुई सुनवाई में बेंच ने राज्य को जवाब दाखिल करने के लिए कहा था, लेकिन कोर्ट ने आज पाया कि जवाब दाखिल नहीं हुआ। जस्टिस अताउ रहमान ने मामले को अगली तारीख तक टालते हुए राज्य सरकार से तीन अहम सवालों का जवाब मांगा। क्या नोटिस जारी करने से पहले सर्वेक्षण हुआ? क्या संपत्ति के असली मालिकों का पता चला? क्या नोटिस सही अधिकारियों से जारी किए गए? जस्टिस अताउ रहमान ने राज्य सरकार को कहा कि ऐसी कार्रवाइयां सिर्फ कानूनी तरीके से की जा सकती हैं और शांति बनाए रखने के लिए जांच और संतुलन जरूरी है। यही नहीं, उन्होंने राज्य के वकील से कहा, हम जानते हैं कि राज्य सरकार की कई जिम्मेदारियां हैं, लेकिन कृपया सुनिश्चित करें कि चीजें चुनिंदा तरीके से ना की जाएं। दूसरी ओर हम ये भी कहते हैं कि कोई व्यक्ति सड़क पर आकर उपद्रव नहीं कर सकता और फिर सुरक्षा की मांग नहीं कर सकता, ये भी स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने मामले को अगले सप्ताह के लिए टालते हुए राज्य सरकार से कहा, हम सभी को ये सुनिश्चित करना होगा कि कानून का अक्षरशः पालन हो। दिल्ली हाईकोर्ट ने आज राहुल गांधी की नागरिकता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। पिछले सुनवाई में कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में इसी मामले में जारी सुनवाई के संबंध में जानकारी मांगी थी। आज दिल्ली हाईकोर्ट को सूचित किया गया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर पीआईएल पर सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर करने वाले कर्नाटक बीजेपी सदस्य विघ्नेश शिशिर ने दिल्ली हाईकोर्ट को ये जानकारी दी। विघ्नेश शिशिर ने बताया कि उन्होंने इस मामले में सीबीआई को गोपनीय साक्ष्य सौंपे हैं और जांच जारी है। सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेडिला की बेंच ने कहा कि एक ही मुद्दे पर समानांतर कार्यवाही नहीं होनी चाहिए, जिस पर भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि दोनों मामलों में प्रार्थनाएं समान नहीं है, जिसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 6 दिसंबर को करने का निर्देश दिया। कोर्ट से जुड़ी प्रतिदिन की कार्रवाई से अपडेटेड रहने के लिए हमारे विशेष कार्यक्रम को देखें और वीडियो को शेयर करें।